Hello Nation Builders, this is Yash and welcome back to Society Point. So what we have to do in today's session, actually in the last session we learned about through as a simple provision and uske saath saath we also did separately in that particular session only. And in today's session what we have to do, we have to learn about the simple provision over. ठीक है, ओवर आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा और बोला भी होगा. तो ओवर के बारे में ही हमें बात करनी है आज. और ओवर के वी हैव मैनी यूजेस, सेवरल यूजेस ओवर हैव टू बी डन बाय अस इन टुडे सेशन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर. ओवर ओवर, ठीक है, ओवर का मतलब वो भी होता है ओवर 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 एंड आउट, है ना. तो उसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऐसे यूजेस देखेंगे जो डेली लाइफ में यूज भी होते हैं और तुम्हारे एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू के लिए तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं. तो पहला यूज होगा डायरेक्टली ओवर का यूज बात करेंगे, है ना. पहला होगा टू रेफर टू समथिंग दैट इज कवर्ड बाय समथिंग एल्स. इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज को रेफर करना, इंडिकेट करवाना, ठीक है, जो कवर्ड है, कवर्ड है, ठीक है, किसी और चीज से. ठीक है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि सपोज करो कि अगर मेरा हाथ कवर्ड है किसी और स्टेट से, किसी और चीज से, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा. पुट अ शर्ट ओवर योर वेस्ट. ठीक है, अब आपको पता है कि भाई हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर वेस्ट पहना हुआ है. ठीक है, उस वेस्ट के ऊपर भी आपको कवरिंग करनी है, किसके थ्रू, शर्ट को यूज करके. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको पुट आएगा, वो सॉरी ओवर आएगा. ठीक है, एक बार सेंटेंस को ढंग से समझे, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, टू रेफर टू समथिंग दैट इज कवर्ड बाय समथिंग एल्स. ठीक है, अब यहाँ पे ओवर शर्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे जो ओवर है वो वेस्ट के लिए है. अब जो वेस्ट है उसको कवर करने की बात हो रही है यूजिंग शर्ट. ठीक है, तो यानी कोई ऐसी चीज जो कवर्ड है, ठीक है, मतलब कवर कर रही है बॉडी को, ठीक है, उसके ऊपर दोबारा कवरिंग हो रही है. ठीक है, तो यानी कि जिसके ऊपर दोबारा कवरिंग हो रही है उसके लिए किसका यूज होगा, ओवर का. यानी कि वेस्ट के ऊपर आपको शर्ट पहननी है, जैकेट पहननी है, जैकेट के लिए भी यूज होता है, तो आप किसका यूज करोगे, ओवर का यूज करोगे. ठीक है, टू कवर समथिंग. ठीक है, सिंपल सी बात यह है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा एक सेंटेंस. आगे बढ़े, मीन मोर देन. मोर देन का मतलब क्या हो गया है, मोर देन मतलब ज्यादा. ठीक है, और यहाँ पे मोर के साथ देन भी लग रहा है, और देन कब लगते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, यानी कि किसी से ज्यादा, किसी से ज्यादा. सेंटेंस देख लेते हैं, शी मस्ट बी ओवर 16. शी मस्ट बी ओवर 16, इसका मतलब क्या हो गया, वो जरूर 16 से ज्यादा की होगी, है ना, वो जरूर 16 से ज्यादा की होगी. अब यहाँ पे ओवर पता है किसकी जगह लग रहा है, मोर देन की जगह. यानी कि सिंपल सी बात यह है कि आप इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग मोर देन आप ओवर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, कहते हैं ना ओवर हो गया है बहुत, वो भी होता है ओवर हो गया है, बहुत ओवर हो गया है, एनफ हो गया है, तो इस तरीके से. चलिए नेक्स्ट है, शी हैव ओवर 20,000 फॉलोअर्स. कि भाई उसके जो है 20,000 से ज्यादा क्या है, फॉलोअर्स है. ठीक है, तो यू कैन यूज ओवर इंस्टेड ऑफ मोर देन और इन प्लेस ऑफ मोर देन. आई होप पहली स्लाइड में कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ जाते हैं. अब आपका थर्ड, थर्ड क्या कहता है, टू रेफर टू ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल, हर्डल. ठीक है, आपको जब ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना है, ओवरकम क्या होता है, ओवरकम भी में भी ओवर है, देखो ओवरकम में भी ओवर है. ओवरकम का मतलब होता है पार कर देना या सरपास कर देना या उससे उसको हरा देना, इस तरीके से. ठीक है, तो आपको किसी अड़चन को ओवरकम करना है, हराना है, उसके पार जाना है, तो किसका यूज करोगे, ओवर का. लाइक वॉल है, क्लाइंब ओवर द वॉल. ठीक है, मैंने क्लाइंब के बाद अगर ओवर का यूज करा, यानी कि मैं उस दीवार के पार जाने की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्लाइंब के बाद कोई और रिलेटेबल प्रेपोजिशन का यूज करता तो वहां पे उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता. ठीक है, अगर मैं बोलता क्लाइंब ऑन द वॉल तो वहां पे दीवार पे खड़े होने की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ऑन द वॉल मतलब दीवार के ऊपर चढ़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोला क्लाइंब ओवर द वॉल मतलब दीवार के आर पार, मतलब इस ऑब्स्टेकल को एज अ वॉल, जो वॉल है एज एन ऑब्स्टेकल, तो उसको पार करने की बात. ठीक है, वो क्या है, हर्डल इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसको पार करना है. तो कोई भी आपके सामने ट्रबल हो, ऑब्स्टेकल हो, हर्डल हो, हैम्परिंग हो, तो आपको किसका यूज करना है, ओवर का. तो गेट रिड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. इस तरह के सेंटेंसेस पता कब आपको समझ में आ जाएंगे, व्हेन यू वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. उससे पहले एक बार में समझ में आएंगे, फिर दोबारा भूल जाओगे. चलिए फोर्थ है, टू मीन गेटिंग टू अदर साइड. ठीक है, आपने कभी सुना होगा कम अक्रॉस, नहीं वो तो क्या होता है, एडीएम होता है. अक्रॉस द ब्रिज सुना है, क्रॉस द ब्रिज सुना होगा. क्रॉस पता है किससे बना, ये क्रॉस से ही बना है. क्रॉस वर्ब होती है, क्रॉस मतलब क्रॉस करना. ठीक है, तो क्रॉस से पहले आर्टिकल ए लगा दिया, ठीक है, अल्फाबेट ए लगा दिया, अक्रॉस प्रेपोजिशन बन गया है. ठीक है, और ये क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, इसका मतलब था क्रॉस करना और कुछ नहीं.
यानी कि कभी कभार ओवर को आप क्रॉस की जगह भी यूज कर सकते हो, लाइक क्रॉस द हाईवे वॉक ओवर द ब्रिज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको हाईवे क्रॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज के उस पार जाना पड़ेगा। क्रॉस मतलब क्या होता है, मतलब क्रॉस करके उस पार चले जाना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पे मैं क्रॉस भी लिख सकता था लेकिन मैंने ओवर लिख दिया। तो सिंपल सी बात यह है, ओवर का आप यूज कर सकते हो व्हेन व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू मीन द सेम लाइक अक्रॉस, पार पार जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, देयर इज अ ब्रिज ओवर अ रिवर। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है कि भाई एक रिवर है उसके ऊपर क्या है, ब्रिज है ना, उसके ऊपर क्या है, आर पार क्या है, मतलब ब्रिज है। तो इस तरीके से आप यूज करते हो, इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे और आप जितना देखोगे उतना समझ में आता रहेगा कि भाई यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन फिट होनी चाहिए, वही है दिस। चलिए नेक्स्ट है, टू मीन अबव बट नॉट इन कॉन्टेक्ट। देखिए एक होता है कि भाई तुम्हारे सर के बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन है, तो अगर ये पेन मेरे खोपड़ी से या मेरे सर से टच है तो मैं ओवर का यूज नहीं करूंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जो तुमसे ऊपर है बट इज नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, तो वहां पे किसका यूज करोगे, ओवर का। अगर वो चीज टच में है उसके लिए अलग प्रपोजिशन है, उसकी हम बाद में बात करेंगे व्हेन वी वुड बी डूइंग व्हाट, कंपाउंड प्रपोजिशन, वो कंपाउंड प्रपोजिशन में होगी। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक दो लॉजिक और है वो तभी बताऊंगा। तो अभी के लिए ध्यान रखो, अगर कोई चीज आपके ऊपर है लाइक रूफ हो गई या फैन हो गया, ये कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, तो आपको एक ही वर्ब का यूज करना, ओवर। तभी तो बोला जाता है द फैन इज ओवर अस, ऐसा स्टेटमेंट आपने सुना होगा बचपन में, अब तो नहीं सुनने को मिलता होगा, कहते ना ऊपर पंखा चलता है। तो वहां पे जो सेंटेंस बनता था बचपन से इंग्लिश में वो बनता था फैन इज ओवर अस, है ना, क्यों, क्योंकि वो जो है हमारे सर से ऊपर होता है लेकिन टच में नहीं होता है, टच के लिए अलग वर्ब होती है, सॉरी प्रपोजिशन होती है। तो फैन इज ओवर माई हेड, कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होगा तो उसके लिए अलग प्रपोजिशन है, तो आगे देखेंगे। सिक्स्थ है, टू डिनोट सुपियोरिटी, सॉरी सुपीरियोरिटी। ठीक है, सुपीरियोरिटी किससे बना है, ये बना है आपका सुपीरियर से, ठीक है, मतलब सुपरमैन वो वाला, ठीक है, सुपीरियर हो आप, यू फील यू सुपीरियर, मतलब सबसे ऊपर समझना अपने आपको। तो जब आप सबसे ऊपर समझते हो अपने आपको, या आपको कोई ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसमें ये सेंस हो सुपीरियोरिटी की, तो आप किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन ओवर का, लाइक ही ओवरपावर्ड मी, ही ओवरपावर्ड मी, इसका मतलब क्या हो गया, पावर्ड होता है कि भाई उसने मेरे को ताकत दी, लेकिन ओवर पावर्ड मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब एक तरीके से ना एग्जाजरेशन मतलब आपको बोलना हो, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, मतलब हाइपरबली सुना होगा आपने, बड़ा चढ़ाकर बात करनी हो, एग्जाजरेशन भी सुना होगा, मतलब जो आपको बड़ा चढ़ाकर बोलना हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात करनी हो जो मोर देन नॉर्मल हो या मोर देन एक्सपेक्टेड हो, तो उस केस में किसका यूज करोगे आप, ओवर का, ठीक है। तो ही ओवर पावर्ड मी, मतलब उसने ज्यादा ही स्ट्रेंथ दे दी मेरे को, ज्यादा ही ताकत दे दी, ठीक है, चेक कैसे भी दियो। उसके बाद नेक्स्ट, मिस्टर चार्ल्स समटाइम्स ओवर मोटिवेट्स द एस्पायरेंट्स। तो सिंपल सी बात ये है, मिस्टर चार्ल्स कभी कभार क्या कर देते हैं, ओवर मोटिवेट कर देते हैं, कि बच्चे है ना पढ़ने नहीं लगते, वो बहुत कुछ करने लग जाते हैं, मतलब एस्पायरेंट्स आपको पता ना कौन होते हैं, जो प्रिपेयरिंग हु हैव सम एस्पिरेशन रिगार्डिंग देयर करियर एंड लाइफ, है ना, तो मिस्टर चार्ल्स हैं वो मोटिवेट नहीं करते, ओवर मोटिवेट कर देते हैं, तो बच्चे जो है ना घर जाते ही अपना काम चालू कर देते हैं, ठीक है, इतना जोश भर देते हैं, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो एग्जैजरेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे एक तरीके से हाइपरबोली का काम है या कोई ऐसी बात है जो ओवर है, मोर देन नेसेसरी है, मोर देन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उस सेंस में आप यूज करोगे ओवर का। चलिए नेक्स्ट, सेवंथ, टू मीन या टू डिनोट कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आपको पता ही है, कंक्लूजन एसेज वगैरह में करते होगे, जब भी आप लेटर्स वगैरह लिखते होगे और एसे वगैरह पैराग्राफ लिखते होगे, तो वहां पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, तो जो कंक्लूडिंग पार्ट है वही है, मैं लाइक जिस्ट ना, जिस्ट मतलब समझते हो ना, तो जब आपको कंक्लूड करना हो या कुछ ऐसी बात लाइक द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, ओवर का, लाइक इट इज ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर या ओवर भी बोल सकते हो, इट इज ओवर, ठीक है, द गेम इज ओवर, इस तरीके से बोलते हैं ना, खत्म हो गया है सब। ऑल ओवर जो है प्लेसेस के लिए भी यूज होता है, ठीक है, लाइक दिस बुक इज फेमस फॉर ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ये जो बुक है ये पूरे पूरे इंडिया में जितनी भी जगह है वहां पे फेमस है, ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर आई होप समझ में आ गया होगा, ये फ्रेज है ऑल ओवर, ओवर के साथ यूज होता है, ऑल ओवर का यूज करके। चलिए समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। एट्थ है, टू मीन रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग और समबडी। मतलब एक मैंने आपको प्रपोजिशन बताई थी कि भाई अगर कोई सरफेस है, ठीक है, और आपको उसके ऊपर कोई चीज रख के बतानी, मतलब डिनोट करना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर है, मोशनलेस है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो कौन सी प्रपोजिशन का यूज करोगे, ऑन,
ऐसे ही ओवर का भी यूज कर सकते हो। वो मूव नहीं करनी चाहिए, किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है कोई चीज मूव नहीं है, मोशन लेस है, तो किसका ऑन के साथ साथ ओवर का भी यूज कर सकते हो। लाइक योर्स कैसे आ गया यहाँ पे, योर्स नहीं आएगा भाई, यहाँ पे होगा योर। ठीक है, योर बुक्स वर कैप्ट ओवर द टेबल, तुम्हारी बुक्स जो है वो किस पे रख दी गई थी, टेबल पे रख दी गई थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टेबल के ऊपर, टेबल क्या हो गया, सरफेस हो गया, तो उससे पहले ओवर का यूज कर दिया, है ना। नाइन्थ है टू मीन बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब आगे, है ना, बियॉन्ड मतलब होता आगे। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, हम देखेंगे ये कंपाउंड प्रपोजिशन के टाइम में, है ना, उस तक के लिए बियॉन्ड का मतलब होता है के आगे। अगर मेट्रो वगैरह में विजिट करते हो ना, तो आप बियॉन्ड सुनते होगे, जो कंप्यूटर है, जो एआई है, वो बोलता है कि भाई डू नॉट गो बियॉन्ड योर, लाइक जितना भी आपका फेयर होता है उससे आगे नहीं जाना, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, आगे की जगह कभी कभार ओवर का यूज कर सकते हो, लाइक बियॉन्ड की जगह। कैसे, यू मस्ट गेट ओवर योर स्मोकिंग हैबिट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हें जरूर, या तुम्हें अपनी स्मोकिंग हैबिट से आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, और वैसे गेट ओवर जो है और भी तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पे गेट ओवर का मतलब क्या है, बियॉन्ड मतलब आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसे आगे बढ़ो, कहते हैं ना आगे बढ़ो यार, सब छोड़ो, ठीक है आगे बढ़ो, भूल जाओ उसको, इस तरीके से बोलते हैं जो। चलिए, उसके बाद है यू हैव बीन सिक ओवर अ वीक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुम जो है एक वीक से आगे या एक वीक से ज्यादा क्या हो, सिक हो, है ना, सिक हो या रहे हो, इस तरीके से। तो ओवर का यहाँ यूज क्यों है, इंस्टेड ऑफ बियॉन्ड या इन प्लेस ऑफ बियॉन्ड। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, आई नो कि भाई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने में। चलिए, टेंथ है टू मीन टिल और अंटिल। टिल और अंटिल मैंने कब पढ़ाया था, कंजंक्शन के टाइम पे पढ़ाया था, वैसे तो प्रपोजिशन भी होता है, लेकिन वही रूल है, वही कंसेप्ट है, वही सेंटेंसेस बनते हैं। आई कुड हैव एडेड टिल और अंटिल एज अ सिंपल प्रपोजिशन, बट आई न्यू कि भाई आपको पता है टिल और अंटिल का यूज, है ना। टिल और अंटिल टाइम के लिए यूज होते हैं, हिंदी मैंने आपको क्या बताई थी, है ना, टिल और अंटिल की मैंने हिंदी आपको बताई थी, तक व्हेन आई टॉट यू कंजंक्शन इन द कंजंक्शंस, है ना। और मैंने बताया था टिल की हिंदी तक है, अंटिल की हिंदी तक है, और टिल यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अंटिल यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टू प्रपोजिशंस या कंजंक्शंस इन अ स्टेटमेंट, आप जो है ओवर को भी यूज कर सकते हो। लाइक आई स्टेड एट माई कजन्स होम ओवर नाइट, तो यहाँ पे ओवर जो है टिल की जगह यूज हो रहा है। ठीक है, कि भाई मैं अपने कजन के घर पे रुका ओवर नाइट, ओवर नाइट मतलब रात। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओवर आप विल भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो मैं अपने कजन के होम रुका, कजन के घर रुका पूरी रात या रात तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेवंथ टू रेफर टू एन एंड, मतलब खत्म हो जाना सब कुछ। ठीक है, तो जब एंड को रेफर करना हो, लाइक कंक्लूजन अभी बताया था, वैसे ही सिमिलर यूज है ओवर का। लाइक लव इज वॉर, क्या बोलती मैंने, बहुत ही फेमस कोट है, स्टेटमेंट है। ठीक है, लव इज ओवर वॉर बिगिंस, है ना, तो आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक है, और ये एक मूवी में भी है, शादी में जरूर आना, है ना, वो मूवी में बोलता है वो, एंड ही लुक्ड वेरी फैबुलस व्हेन ही स्पोक दैट सेंटेंस, लव इज ओवर वॉर बिगिंस, कि भाई प्यार खत्म हो गया है, प्यार का एंड हो गया है, अब लड़ाई होगी, इस तरीके से। ठीक है, यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट इन योर लाइफ टू। चलिए, नेक्स्ट है द गेम इज ओवर, ये तो सुना ही होगा, गेम ओवर सुनते हैं ना, गेम ओवर, जब भी आप गेम हार जाते हो तो गेम ओवर क्यों आता है, क्योंकि ओवर इंडिकेट करता है किसको, एंड को, है ना। चलिए, ट्वेल्थ है टू मीन इन रिलेशन टू और कंसर्निंग। ठीक है, मतलब रिलेट करते हुए किसी के लिए कुछ बोलना हो, कंसर्निंग मतलब बताओ ना, कंसर्निंग कब आता है, कंसर्निंग आता है मतलब जब आप किसी बात की चिंता कर रहे हो या किसी विशेष बात पे, विशेष मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक मैटर, ठीक है, या रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हो। हिज वाइफ हैज अ लॉट ऑफ वरीज ओवर हिज सैलरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो वाइफ है उसको बहुत ज्यादा चिंता है उसकी सैलरी के लिए। अब यहाँ पे जो ओवर है ना, ओवर ओवर या तो इसके लिए आ सकता है, मतलब इसकी जगह आया है, या कंसर्निंग की जगह आया है, मतलब उसकी जो चिंता है उसकी वाइफ की, ठीक है, वो किसके लिए है, इसके लिए है, सैलरी के लिए है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया है मैंने, ओवर का यूज किया है। तो ओवर की जगह आप कंसर्निंग या रिलेशन टू भी, इन रिलेशन टू भी यूज कर सकते हो। तो समझ में आ गया ना, ओवर का यूज यहाँ पे किस तरीके से, किस सेंस में हुआ है, रिगार्डिंग, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर कंसर्न्ड ओवर देयर डिलेड रिजल्ट। तो यहाँ पे ओवर का मतलब क्या हो गया आपका, रिलेशन टू की जगह आया ओवर, कि
कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो चिंतित हैं ओवर देयर डिलेड रिजल्ट, कि भाई उनका जो है रिजल्ट जो है बहुत डिले हो गया है। और मुझे लगता है कि भाई ये स्टेटमेंट पूरी तरह फैक्चुअल नहीं है, बिकॉज जब रिजल्ट लेट आता है तो थोड़ा खुशी मिलती है, थोड़ा और राहत मिल गई, बिकॉज जब रिजल्ट आ जाता है तो एक तरह का स्ट्रेस हो जाता है ना। मानता हूँ कि चिंता रहती है कि भाई जब तक रिजल्ट आता है तब तक ये थोड़ा रहता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल ही कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ जाता है, बिकॉज फिर जो है एक तरीके से वॉर या अपना काम एफर्ट्स दोबारा चालू हो जाते हैं टू गेट इन टू लाइक इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस, है ना। तो यही है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो कंसर्न है, चिंतित हैं इन रिलेशन टू देयर डिलेड रिजल्ट, कि भाई जो भी उनका डिलेड रिजल्ट है उसके लिए। आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांट टू लेट यू नो। आगे बढ़ जाते हैं। 13th है कि भाई टू मीन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एनी प्लेस, वही है जो आपको बताया था ना प्लेसेस के लिए, प्लेसेस के लिए, ठीक है, प्लेसेस के लिए किसका यूज करोगे, ओवर का, इस तरीके से यूज करोगे। रेचल हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ओवर आप एक तरह का फ्रेज, बस ये ध्यान रखना ओवर के साथ ऑल का यूज, ऑल ओवर किसके लिए यूज होता है, लाइक एक तरीके से जगह के लिए, ठीक है, और ऑल ऑल ओवर लगा दिया तो मतलब सभी जगह हो जाएगी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना। तो रेचल हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो रेचल जो है, रेचल ने ट्रेवल किया है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है टू मीन हर्ड और सेड बाय मीन्स ऑफ और यूजिंग, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप सेंटेंस देख लो पहले, फिर समझ जाओगे कि यहां पे ये क्या कह रहा है। शी डिड नॉट रिवील एनीथिंग ओवर द फोन, ठीक है, उसने कुछ रिवील नहीं किया, रिवील मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज कर देना, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना, बता देना, ठीक है, राज खोल देना, है ना। तो शी डिड नॉट रिवील एनीथिंग ओवर द फोन, ठीक है, उसने कुछ नहीं बताया हर्ड और सेड बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, जो भी उसने सुना, जो भी उसने बोला, बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या हो गया, फोन के जरिए, है ना, फोन के जरिए, या ओवर की जगह यूजिंग भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है ये कि भाई ओवर वहां पे क्या, किस जगह यूज हो रहा है, कि उसने जो भी सुना या बोला, उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके जरिए बाय मीन्स ऑफ नहीं बताया, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग यस अंडरस्टैंडिंग होल दिस फ्रेज, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो यूजिंग, कि भाई उसने कुछ नहीं बताया यूजिंग द फोन, ठीक है, फोन के जरिए, इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े 15 टू मीन फर्स्ट अप एंड देन डाउन, ठीक है, मतलब जब आप ऊपर से ऐसे कूदते हो ना, एक होता है जंप, ठीक है, जंप हो गया ऐसे, ठीक है, जब जंप ऊपर करके ऐसे आते हो, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, ओवर का, ठीक है, मतलब ए बिल्ली ऐसे कूदी फिर ऐसे आ गई, ठीक है, किसका यूज होगा, एक ही जगह, वैसे के लिए अलग प्रपोजिशन है, ठीक है, ऐसे के लिए अलग प्रपोजिशन है, एक ही जगह कूदते हो ना ऐसे, तो उसके लिए ओवर है। द कैट जंप्ड ओवर द सोफा, ठीक है, कैट जो है सोफे के ऊपर ऐसे कूद रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है, पार पार या आगे छलांग लगाने के लिए अलग प्रपोजिशन है, वो देखेंगे आगे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 16th है टू मीन स्पेस, स्पेस की जब बात कर रहे हो, जब आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जहां पे स्पेस एक आइडिया है, या एक स्पेस एक क्या है, आपको एक्सप्रेस करवाना है स्पेस रिलेटेड टू दैट प्लेस, तो आप किसका यूज करोगे, ओवर का, लाइक द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, ओवर द अर्थ, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जगह है वो क्या है, अर्थ है ना, अर्थ के स्पेस को लेके बात करनी है तो ओवर आ गया, ठीक है, तो यानी कि जो सन शाइन करता है वो ओवर, मतलब जितना भी अर्थ का स्पेस है, ठीक है, जो भी सन के रिफ्लेक्शन में आता है, या सन के उसमें आता है, क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया उसके, उसको साइंस पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट आई न्यू कि भाई उसको क्या कहते हैं, जो सन के एरिया में आता है ये मान लो, ठीक है, तो सन के जो एरिया में जितना भी स्पेस आता है, ठीक है, लैंड आता है, ओशन आता है अर्थ का, ठीक है, वहां पे सन शाइन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवर है वो स्पेस को डिनोट कर रहा है रिलेटेड टू अर्थ, है ना। एंड विद दिस कंप्लीट हो गया अपना, 16 ही यूजेस थे, एंड ये मोर देन एफिशिएंट सफिशिएंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, एंड थैंक यू, आई होप आपको थैंक यू दिख रहा होगा, थैंक यू फॉर टेकिंग टुडे सेशन, आज हमने ओवर कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक ओवर के बाद और कोई सिंपल प्रीपोजिशन नहीं रही है, आई विल चेक इट आउट, देन आई विल लेटिंग यू नो कि भाई और कितना सिंपल प्रीपोजिशन रह रहा है, आई थिंक नहीं रहता है ना। तो आज के सेशन में हमने जो है, और आपने भी ओवर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या करना है, और ये तभी पता लगेगा जब वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, है ना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन व्हाट यू हैव टू डू द सेम थिंग एज आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी डे, कि भाई आपको करते रहना है और मजे करते रहना लाइफ में, और वो करना है जो आप चाहते हो। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन व्हाट यू हैव टू डू यू नो, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।